हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित सैनी। स्वागत है आपका साड्डा फूड अड्डा में, जहां मैं आपके लिए टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आता रहता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आलू सैंडविच, जो बनाने में बहुत ही इजी है और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच तेल। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब ये मैंने लिया है साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दिया इसमें। अब साबुत धनिया को थोड़ा सा हम ब्राउन होने देंगे। धनिया हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया था मैंने, इसको चॉप कर लिया था, इसको डाल दिया है। प्याज डालने के बाद हमें प्याज को हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज हमारा हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे आलू। ये 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, इनको बॉईल कर लिया था, वो डाल दिए मैंने इसमें। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब ये लिया मैंने गरम मसाला, आधा चम्मच डाल रहा हूँ मैं इसमें गरम मसाला। ये लिया मैंने हल्दी पाउडर, 2 पिंच डाल रहा हूँ मैं इसमें हल्दी पाउडर। और ये लिया है मैंने चाट मसाला, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। और ये मसाले डालने के बाद हम आलू के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। मसाला हमारा भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। ये 2 चम्मच टमाटो केचप मैं डाल रहा हूँ। टमाटो केचप डालने से सैंडविच का जो टेस्ट होगा वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर डालें। और टमाटो केचप डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मसाला हमारा बन करके बिल्कुल रेडी है। अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं। तब तक ये ठंडा होता है आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। ये मैंने लिया है वाइट ब्रेड, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, उससे भी सैंडविच बना सकते हैं। अब ये मैंने हरी चटनी ली है, ब्रेड के एक साइड पर मैं ये हरी चटनी लगा दूँगा अच्छे से। ये लिया है मैंने टमाटो केचप। अब मैं जो दूसरा ब्रेड है उसके ऊपर भी एक साइड में टमाटो केचप लगा देंगे। अब जो ये मसाला हमने बनाया था वो हमारा ठंडा हो गया है। अब ये मसाला हम लगाएंगे ब्रेड पे। तो आप इक्वली हम इसको मसाले को, जो हमने ये आलू का पेस्ट बनाया था, आलू का मसाला बनाया था, उसको हम इक्वली एक ब्रेड पे अच्छे से लगा देंगे चारों साइड से। अब ये दूसरा ब्रेड लेंगे और दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर इसको प्रेस करते हुए इसके ऊपर से रख देंगे। देखिए मैंने 2 सैंडविच बना करके रेडी कर लिए हैं। अब ये मैंने लिया है बटर। अब हम बटर को जो हमने सैंडविच बना करके रखे थे उनके ऊपर लगाएंगे। और बटर को हमें एक ही साइड में लगाना है सैंडविच के, दूसरी साइड में हम जब लगाएंगे, जब हम इनको सेकेंगे, जैसे मैंने एक साइड में लगाया है, आप भी एक ही साइड में लगाएं। बटर हमने लगा लिया है। बटर लगा करके सैंडविच हमारे रेडी हैं। आइए अब इनको सेकना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने तवा गर्म कर लिया है। अब हमने जो बटर लगाया था उस साइड से हम सैंडविच को तवे के ऊपर रख देंगे। और जब तक हमारा सैंडविच सिक रहा है उसके दूसरी साइड में भी हम चम्मच से बटर लगा लेंगे। अब इसको हम एक स्पैचुला लेंगे और उससे इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। और इसको हमें प्रेस करते हुए सेकना है, इससे बहुत ही करारा सैंडविच हमारा बनेगा। इसको एक बार और पलट देते हैं क्योंकि इधर से थोड़ा सा अभी सिका नहीं है। लीजिए सैंडविच हमारा बन करके बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना बढ़िया बना है सैंडविच हमारा। ऐसे ही जो बाकी के सैंडविच हमारे बचे हुए हैं उनको भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। सैंडविच हमारे बन करके बिल्कुल रेडी हैं। आइए इनको बीच से कट करके दिखाता हूँ। एक चाकू लेंगे और चाकू से हम इसको बीच से ऐसे काट देंगे जैसे मैं काट रहा हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सैंडविच बना है। स्टफिंग भी कितनी बढ़िया भरी है हमारी। आलू सैंडविच सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको गर्म गर्म चाय के साथ सर्व करें। आप इसको सुबह में ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, इवनिंग में चाय के साथ भी इसको ले सकते हैं। आप इसको टोमेटो केचप या आपकी कोई भी मनपसंद चटनी जो आपको पसंद हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। आलू सैंडविच की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।